इसकी खासियत है कि यहाँ पे आपको छोले की सब्जी दी जाती है, फिर साथ में जापानी समोसा। जिस तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल डेली फूड शौकीन में। तो जायकों की तलाश में हम आपके लिए तेरी गलियों का एपिसोड 2 लेकर आ गए हैं। एपिसोड 1 में पहले मैंने शुरू की थी मेरी गलियों से, तो मेरी गलियों से आज हम आपको लेकर आ गए पुरानी दिल्ली चांदनी चौक की गलियों में। आप पीछे देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं, आपको दिख रहा है लाल किला, और थोड़ा सा इधर आएंगे तो सामने आपको पूरी लेन दिख रही है चांदनी चौक की। तो भाई मेरी गलियों से आज हम लेके आ गए हैं, चांदनी चौक की गलियों तक का सफ़र हम आपको कराएंगे। और अभी तक गीता कॉलोनी के कुछ चटपटे जायके दिखाए थे, तो अब देखते हैं यहाँ पे हमें क्या क्या मिलने वाला है। कुछ ऑथेंटिक, कुछ पुराने और कुछ चटपटे जायके दिखाएंगे। तो चलते हैं, आज की जर्नी को थोड़ा सा शुरुआत देते हैं और लेके चलते हैं आपको कुछ चटपटे जायके की ओर। तो तेरी गलियाँ एपिसोड 2 की पहली जगह पर हम पहुँच गए हैं। तो सबसे पहले हमने पहले एपिसोड में दिखाए थे छोले भटूरे, तो सोचा आज के एपिसोड में भी शुरुआत करते हैं पुरानी दिल्ली के छोले भटूरे से। तो आज हम आपको लेकर आए हैं मनोहर ढाबा पे, जो कि है सिंस 1949 से ये आउटलेट चल रहा है। इधर के फेमस है चूरचून नान, राजमा चावल और छोले भटूरे भी काफ़ी फेमस है। तो सोचा छोले भटूरे दिखाएंगे, और जो खास है यहाँ का, जो स्पेशल है, वो है जापानी समोसा भी। तो सोचा जब छोले भटूरे खा रहे हैं और जो यहाँ की स्पेशलिटी है जापानी समोसा की, तो वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो अब अंदर चलते हैं, अपनी प्लेट लगवाते हैं छोले भटूरे की, और साथ साथ अपना जापानी समोसा भी लगवाते हैं। तो फटाफट से आते हैं। तो लीजिए, अब टेस्टिंग की बारी आ चुकी है। हमारा जो है साथ पहले आ गया भटूरा, ये देखो जरा, पहले हमने ले लिया है भटूरा और साथ में लिया जी जापानी समोसा, जो कि यहाँ की स्पेशलिटी है। वैसे तो यहाँ पे आप देखेंगे तो बहुत कुछ ही स्पेशल है यहाँ का, लेकिन अगर जापानी समोसे की बात करो, मतलब ये देखो, ये अगर आप मॉर्निंग के टाइम पे आते हो, ये आपको चकाचक भरा हुआ रहता है हमेशा। और यहाँ पे जो खास है, जैसे कि पिछली बार हमने यहाँ पे वीडियो शूट किया था जापानी समोसे का, तो काफ़ी लोगों के कमेंट हैं कि पंजाब में इसे जापानी समोसा नहीं, इसे लोग कहते हैं जी सतपुड़ा, और कुछ लोग कहते हैं जी इसे पैटी। तो अपना अपना कहने का नज़रिया है, अपना अपना देखने का नज़रिया है। स्वाद एकदम सिमिलर है, लेकिन जो प्रेजेंट करने का तरीका है वही है जो इसे अलग बनाता है। तो एक बार थोड़ा सा इसे दिखाते हैं। तो जो प्रेजेंट करने का तरीका, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, इसमें काफ़ी लेयरिंग है, लेयरिंग काफ़ी लेयर से तैयार होता है, ये देखो ज़रा जापानी समोसा। और इसमें थोड़ा सा जो हिस्सा रहता है, पोर्शन, वो रहता है इसमें आलू का। और साथ में ये छोले के प्रेजेंटेशन देखिए, छोले इसमें दिए गए हैं, सैलेड में दिया गया, जबकि यूजुअली हम पैटी खाते हैं, वो हम खाते हैं कैचअप्स के साथ। लेकिन इसका प्रेजेंटेशन का तरीका एक जैसे 1949 से अगर ये मनोहर ढाबा चल रहा है, तो कुछ अपने पुराने जायके इसी तरीके से वो लोग प्रेजेंट करते हैं, जो हम आज जिसका मज़ा ले रहे हैं। तो पुरानी दिल्ली आते हैं तो आप भी इसका मज़ा ले सकते हैं। अगली जो आइटम लिया हमने जापानी समोसे के साथ में लिए छोले भटूरे, अगर आप नॉर्मल आप जापानी समोसे के साथ छोले लेते हैं, वो है खाली छोले, लेकिन आपको छोले भटूरे के साथ जो मिलते हैं, ऊपर से पालक डालते हैं, जिससे कि थोड़ा फ्लेवर अलग आए। और छोले भटूरे के साथ में जो पालक का कॉम्बिनेशन है, वो होता है काफ़ी लाजवाब। तो अब मैं शुरू करता हूँ पहले छोले भटूरे से एक बार, तो एक बाइट लेते हैं पहले छोले भटूरे से। ये देखो ज़रा, पहले ऊपर पालक की जो लेयर है ना, ये पालक डाली थी, और साथ में देखो ज़रा छोले, काफ़ी लाजवाब। और इसकी जो चटनी है ना, अब ये चटनी और प्याज को थोड़े से एक थोड़ा सा डालते हैं। अब लेते हैं जी इसका टेस्ट और इसका आनंद लेते हैं, मतलब पेट लेते हैं। काफ़ी लाजवाब है। अगर मैं भटूरे की बात करूं, भटूरे कई जगह खाते हैं कि आपको एक दो खाकर काफ़ी हैवी फील होता है, उतना हैवी नहीं है, क्योंकि अंदर स्टफिंग किसी चीज़ की नहीं है, नॉर्मल सिंपल सा भटूरा है, काफ़ी हल्का है, काफ़ी लाजवाब है। और इसमें मैं एक चीज़ बताऊँ, भटूरे जो छोले के अंदर पालक डाले हैं, उसने एक्चुअल में छोले का जो फ्लेवर है उसे एनहेंस कर दिया, जिससे खाने में काफ़ी मज़ा आ रहा है। तो अब अगला देखिए, अगले आइटम की तरफ बढ़ते हैं। ये आ गया हमारा जापानी समोसा, जिसके आप अंदर देखेंगे आलू की लेयर है, और काफ़ी लेयरिंग इसमें काफ़ी, बहुत ज़्यादा लेयरिंग से बनाया, मतलब इसे बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। अंदर लोग कहते हैं जी अंदर स्टफिंग नहीं है, स्टफिंग देखिए, आलू की स्टफिंग है। और इसमें जो एक्चुअल में ना, जो मैं मानता हूँ ना, जो इसका मज़ा है वो इन लेयरिंग्स में है। ये जो लेयर है जो काफ़ी क्रिस्पी होती है, और इसे जब छोले के साथ लगा के खाते हैं, तो मतलब अभी मैं आपको दिखाऊंगा खाते हुए, खुद ब खुद आपके मुंह में पानी आएगा। अगर पानी आएगा तो एक बार ज़रूर लाइक करते जाना वीडियो को। अभी एक बाइट लेते हैं इसकी, मतलब काफ़ी बड़ी बाइट है, कोई बात नहीं, आनंद आना चाहिए, स्वाद लेंगे। आज पुरानी दिल्ली आए हैं, पुरानी दिल्ली तो जाना ही अपने जायकों की वजह से जाता है, उसी में से एक जायका यहाँ पे आपको, मतलब यहाँ कई जायके मिलते हैं जो हम पसंद करते हैं, इनके छोले भटूरे हो गए या जापानी समोसा, ये खुद में ही एक अद्भुत आइटम है। तो अब एक बाइट इसके लेते हैं। मैं स्वाद की बात करूँ,
इसकी जो लेयरिंग है वो इसे खास बनाती है, जिसकी वजह से इसका क्रिस्प बरकरार रहता है। अंदर आलू की स्टफिंग है, आलू की स्टफिंग नहीं भी होगी मैं इसे वैसे भी खाना पसंद करूँगा। और जो खास इसे और चीज़ जो बनाती है वो है इसके साथ छोले का कॉम्बिनेशन। अगर मैं सिंपल खाऊंगा तो इट्स लाइक जैसे कि हम फैन खाते हैं, थोड़ा सा ऑयली फैन हो गया, लेकिन जब हम इसे कॉम्बिनेशन डालते हैं छोले के साथ, साथ में प्याज डालते हैं तो टेस्ट हो जाते हैं इसके लाजवाब। तो इस सबको मैं फिनिश करता हूँ और अब आपको लेके चलता हूँ अगले जायके की तरफ। तब तक आप सोचो कि अगला जायका हम आपको कौन सा दिखा रहे हैं। तो भाई अब भटूरे और जापानी समोसे के बाद अब हम आ गए अपनी सेकंड डेस्टिनेशन पे, क्योंकि जब पुरानी दिल्ली आते हैं तो कुछ ऐसे भी हिडन प्लेस हैं जिसमें काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं जानते नहीं हैं। तो उसी में से एक ऐसे हिडन प्लेस पे आपको अब लेके जा रहा हूँ जो कि लगभग 50 साल पुराना है। अगर मैं लोकेशन की बात करूँ, अगर सामने देखेंगे उस तरफ शीशगंज गुरुद्वारा है, शीशगंज गुरुद्वारे के बिल्कुल सामने लेन जो आ रही है तो उसी में अंदर कॉर्नर पर जाके एक दुकान है जो कि फेमस है अपने मूंग दाल लड्डू के लिए, पकौड़ों के लिए। तो अब वो भी हम उसका भी जायका लेंगे। मतलब आप पुरानी दिल्ली की कई वीडियोस देखते हैं उसमें आपको ये जो प्लेस आज हम आपको दिखा रहे हैं, जबकि एक हम हिडन प्लेस कह सकते हैं जो लगभग 50 साल हो चुके हैं। तो अब अंदर चलते हैं, उनसे थोड़ा सा देखते हैं कि क्या क्या होते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं है, मूंग दाल है, पनीर के पकौड़े होंगे, ब्रेड पकौड़ा होगा, लेकिन जो भी होगा अच्छा होगा जो हमारी वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। तो जल्दी से आ जाइए। तो लीजिए टेस्टिंग की बारी आ चुकी है। मतलब आज जो मैं आपको सेकंड प्लेस दिखा रहा हूँ ना, ये बहुत कम लोग जानते हैं। अगर जानते भी हैं तो मतलब आते हैं थोड़ा सा अंदर को पड़ जाता है, काफ़ी हिडन है, लगभग 50 साल पुरानी जगह है जो कि जाने जाते हैं। वैसे तो हम आपको दिखा रहे हैं इनके पकोड़े, मूंग दाल लड्डू, लेकिन जो खासियत है इनकी वो है इनकी रबड़ी में, जो कि रबड़ी फलूदा बहुत लोग पसंद करते हैं। या बात करें लस्सी की, लेकिन हम ले रहे हैं मूंग दाल लड्डू जिसकी रंगत देखने में काफ़ी लाजवाब लग रही थी। एकदम गरम गरम, मतलब एक फ्राई दोबारा से फ्राई करके दिए हैं, गरम गरम है। साथ में हमने लिया एक पनीर का पकौड़ा, तो आप टेस्ट करते हैं वो आपको बताते हैं। तो ये देखिए पहले लेते हैं, साथ में मूली दी है। मतलब अगर मैं प्रेजेंटेशन की बात करूँ, प्रेजेंटेशन में मैं इन्हें थोड़े से नंबर कम दूंगा कि थोड़ा सा अगर और रंगत अच्छी होती तो और ज़्यादा मज़ा आता, बट अब टेस्ट देखते हैं, टेस्ट इसकी रिकवरी कर पाएगा नहीं कर पाएगा वो देखते हैं। टेस्ट में अच्छे हैं और ऐसा नहीं मूली और चटनी के फ्लेवर से अच्छे लग रहे हैं, वो तो लड्डू का जो फ्लेवर है वही अच्छा है। और ये जो पूरा मैंने लिया, इसमें चार लड्डू हैं, एक पनीर पकौड़ा, जिसका टोटल कीमत है 55 रुपये। 55 रुपये है, थोड़ा सा अगर मैं इधर की बात करूँ थोड़े से मुझे कॉस्टिंग ज़्यादा लग रही है, चार लड्डू केवल और साथ में पनीर पकौड़ा। बाकी अगर मैं फ्लेवर्स की बात करूँ, फ्लेवर अच्छे हैं, अगर आप आओ ट्राई कर सकते हो। और ऐसा नहीं है कि चटनी के फ्लेवर से टेस्ट बढ़ रहा है, लड्डू का खुद ब खुद जो फ्लेवर है वो काफ़ी लाजवाब है, और जब ये गर्म होता है बिल्कुल तो और ज़्यादा अच्छा लगता है, जो हमें अच्छा लग रहा है। तो आप कभी भी आते हो पुरानी दिल्ली चांदनी चौक की तरफ, तो हमने आपको सेकंड रिकमेंडेशन बताई कि आप यहाँ पे आए एक हिडन प्लेस पे जो कि लगभग 50 साल पुराना है, यहाँ पे आके आप लड्डू एज अ स्नैक्स आप ये भी ट्राई करके बाद अब चलते हैं अपने अगले आउटलेट की तरफ जो हम आपको अगला जायका दिखाने वाले हैं। तो आप कमेंट करके बताओ आपको क्या लगता है अगला जायका कौन सा होने वाला है। तो चलते हैं अगले जायके की तरफ। तो भाई तेरी गलियां एपिसोड 2 के तीसरे आउटलेट पे हम आ गए हैं। मतलब पुरानी दिल्ली की बात की जाएगी, जब चाट चटकारों की बात की जाती है तो कहीं पुराना आउटलेट है मेरे पीछे आप देख रहे होगे, नटराज दही बल्ले, जो कि एस्टेब्लिश है 1940 से। तो लगभग आप देख रहे हैं आज़ादी से पहले का ये आउटलेट है, और यहाँ के जो स्पेशलिटी है इनके दही बल्ले, यूजुअली इनके पास मिलती तो टिक्की भी है, बट आज जो इनकी स्पेशलिटी है वही हम आपको तेरी गली एपिसोड 2 के तीसरे आउटलेट पे दिखाने वाले हैं। तो फटाफट से अंदर चलते हैं। हालांकि आप पीछे देखोगे भीड़, वैसे यूजुअली यहाँ पे लाइनें काफ़ी लंबी लंबी लाइनें लगती है, मुझे नहीं पता इसका कारण क्या है। अब मैं अंदर चलूँगा, मैं भी एक प्लेट लूँगा दही बल्ले। अब ये देखते हैं कि पहले कितनी देर में नंबर, नहीं तो यहाँ पे आपको आधा आधा पौना पौना घंटे का नंबर लेना पड़ता है। तो अब मैं अंदर चलता हूँ, मैं लेके आता हूँ दही बल्ले और आपको इस जायके का लुत्फ उठा के दिखाता हूँ। तो फटाफट से तो लीजिए अब हमारे आगे नटराज दही बल्ले के स्पेशल दही बल्ले। अब एक्चुअल में देखो, देखने में तो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, जो ऊपर चटनी डाली है वो काफ़ी लाजवाब लग रही है। और अगर इस जगह की बात करूँ, ये लगभग आज़ादी से पहले की जगह है, तो अब पता नहीं ऐसा क्या खास है, मतलब काफ़ी पुराने जायके हैं। अगर हम चांदनी चौक की बात करें तो ये खुद ब खुद जाने ही पुराने जायकों के लिए जाती है, तो उसी पुराने जायकों की तलाश में आज हम निकले हुए हैं। तो अब मैं थोड़ा सा ना क्लोज लुक दिखाता हूँ, जरा पहले आप ये देखो, ज़रा कितनी लाजवाब देख रहे हैं। ऊपर से चटनी की जो रंगत है नॉर्मल चटनी से काफ़ी अलग लग रही है। और अब एक थोड़ी सी बाइट लेते हैं पहले, बल्ला काफ़ी सॉफ्ट है। अगर प्राइसिंग की बात करूँ, प्राइसिंग है 60 रुपये। तो अभी टेस्ट के बारे में बात करते हैं, उसके बाद आपको थोड़ा सा और बताएंगे। तब एक बाइट लेते हैं इसकी, ये देखो ज़रा लुक्स देखो। अगर आपको भी मुंह में पानी आ रहा है तो आप कमेंट करके हमें बताइए। अब मैं एक टेस्ट करता हूँ, एक बाइट लेता हूँ इसकी। मतलब
ठीक लग रहा है टेस्ट, इतना कोई खास नहीं जैसा नाम है। लेकिन नटराज दही भल्ले मैं देखता हूँ काफ़ी भीड़ लगी रहती है, बहुत से लोग आते हैं। पुरानी दिल्ली में जो लोग आते थे, मतलब जो लोग दिल्ली के रहने वाले हैं, जो दिल्ली से बाहर चले गए हैं, होपफुली वो इस टेस्ट को समझ पाएंगे। मुझे लेकिन ये टेस्ट समझ नहीं आया। मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर हम इस लेन की बात करें, बहुत से जायके हैं, बहुत से जगह दही भल्ले खाते हैं जहाँ के टेस्ट मुझे ज़्यादा पसंद आते हैं। हाँ, ऐसा कुछ स्पेशल की बात करूँ तो स्पेशल मुझे यहाँ महसूस नहीं हो रहा है। बट आप तक जायका पहुँचाना था, वो हमने आपको पहुँचाया। एक बाइट और लेता हूँ, शायद मुझे कुछ समझ आए। मेरा मानना है, मुझे नहीं पता नटराज दही भल्ले में इतनी भीड़ क्यों रहती है, बट हाँ मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे को ऐसा लगता है कि इससे बेहतर ऑप्शन यहाँ पे बहुत है जहाँ पे आप ट्राई कर सकते हैं। तो मैं कहूँगा कि हमारी तीसरी रिकमेंडेशन पास नहीं हुई तो फेल भी नहीं हुई, ठीक कह सकते हैं। कभी भी आप आते हैं, आपकी पसंद है, आप टेस्ट करना चाहे कर सकते हैं। लेकिन मैं कभी दोबारा आऊँगा तो मुझे ऐसा लगता है और किसी ऑप्शन को मैं चूज़ करना ज़्यादा बेहतर समझूँगा। तो इसको मैं ख़त्म करता हूँ, इसको ख़त्म करने के बाद अगले जायके की तरफ चलते हैं। अगला हम मेरे को ना एक्चुअल में कुछ ठंडा ठंडा की ज़रूरत महसूस हो रही है, तो सोच रहा हूँ कि कुछ ठंडा पी लें, क्योंकि गर्मी में गर्म बहुत खा लिया ठंडे दही भल्ले के बाद, अब कुछ पीने का मन कर रहा है। तो अगले जायके की तरफ मतलब पीते हैं कुछ, अब अगली तरफ चलते हैं और आप गेस करें कि हम आपको कहाँ लेके जा रहे हैं। तो लीजिए अब हम आ गए हैं अपनी चौथी जगह पर, मतलब चांदनी चौक आते हैं। और जब कभी भी किसी ठंडी चीज़ की बात की जाएगी ना, जब आपको कुछ पीना है और वो भी ठंडा ठंडा, तो एक ही जगह हमारे दिमाग में आती है, पंडित वेद प्रकाश लेमन वाले। मतलब ये एक लौती दुकान है जो लगभग 150 साल पुरानी दुकान है, जहाँ पे आपको मिलेगा भाई ठंडा ठंडा लेमन और नींबू पानी, जो आप चाहेंगे सब आपको मिलेगा। तो अब मैं अंदर लेके चलता हूँ, और यहाँ से ना मेरे को गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, तो अब सोचा कि कुछ ठंडी लेमन हो जाए। तो एक लौती जगह यहाँ पे हमें मिलती है जहाँ पे कुछ ठंडा, थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन के लिए हमें जो चीज़ की ज़रूरत है वो हम आपको दिखाएंगे, अपना नींबू पानी, नींबू लेमन, तो वो बनवाते हैं अपनी और इस जायके का लुत्फ उठाते हैं। तो लीजिए अब आ गई है हमारी टेस्टिंग की बारी, मतलब ये हमने जो ले लिया, अब ये ले लिया हमने, यहाँ की जो फेमस है, यहाँ की जो स्पेशल है वो है लेमन। मतलब आप चांदनी चौक आओगे, जब कभी भी आपको लगेगी प्यास तो आपकी प्यास बुझाएगी यहाँ की स्पेशल वेद प्रकाश लेमन वालों की लेमन। और अब इन्होंने जो है एक स्पेशल नई लॉन्च करी है, वो है आपको जो 10-10 रुपये की आप बोतल लेते हैं, तो वो लेमन का स्वाद वो एज़ इट इज़ आपको उसमें भी मिलने वाला है। और इसमें जो खास चीज़ है इनकी, वो है इनके मसाले। लेमन तो ये अपनी बनवाते ही हैं, लगभग 100-150 साल पुरानी दुकान है। अब लेमन इन्होंने जो है छोटी छोटी 10-10 रुपये की बोतल में भी लॉन्च कर दिया, बट यहाँ पे आपको वो भी मिलेगा। और ये जो ग्लास लिया है ये है 25 रुपये का। इनका जो बनाने का तरीका है वही पुराने तरीके से, मसाले इनके खुद के हैं जो ऊपर से डालते हैं, और जब लेमन डालते हैं ना वह अलग लेवल की जो तृप्ति मिलती है ना, सेटिस्फेक्शन, वो हम यहाँ पे अब लेने आए हैं। अब एक घुट इसका लेते हैं, मतलब गर्मी इतनी हो गई है तो अब इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत बढ़ गई है, अब एक घुट इसका लेते हैं और आप तक इसका जायका पहुँचाते हैं। गर्मी का एक अच्छा एहसास करना है तो आपको चांदनी चौक आना पड़ेगा, इसके लिए स्पेशल वेद प्रकाश जी की जो लेमन है, ये बाकी लेमन से हम कंपेयर नहीं कर सकते। इसका स्वाद, इसका मज़ा, इसका एक ठंडा ठंडा एहसास वो आपको यहीं पे मिलेगा। जब आप थोड़ा सा गर्मी में चलोगे ना, और जब यहाँ तक पहुँचते पहुँचते अच्छे से जब आपको पसीने आ जाएंगे, जो इसका घुट में जो तृप्ति मिलेगी वो आपको यहीं पे मिलेगी। तो अब इसके बाद हम अपनी आखिरी और अपने आखिरी किसी जायके की तरफ बढ़ते हैं, और आप गैस करो कि अगला जायका हमारा कौन सा आने वाला है। तो इसे ख़त्म करके अगले जायके की ओर मिलते हैं आपसे। तो लीजिए अब हम आ गए अपनी पांचवी जगह पर। देखिए चांदनी चौक आते हैं, रबड़ी फलूदा सब दिखाते हैं, जलेबी सब दिखाते हैं, लेकिन आज जो हम आपको दिखाने वाले हैं वो आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा, वो हम आपको दिखाएंगे साथ साथ। एक बार जब तक हम जाते हैं, मैं थोड़ा सा आपको लोकेशन बता देता हूँ। इस समय हम आए हैं शीशगंज गुरुद्वारे में, तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं हम क्या दिखाने वाले हैं। तो आपको लेके चलते हैं साथ में, जब तक हम अंदर जाते हैं तब तक आप कमेंट में लिखते जाएं वाहेगुरु जी। तो फटाफट से हम अंदर चलते हैं। तो भाई आज हमारी तेरी गली एपिसोड 2 की आखिरी जगह पर हम खड़े हैं, मतलब ये जगह कोई कंपैरिजन नहीं है किसी भी फूड का। लेकिन मैंने सोचा कि भाई जब पुरानी दिल्ली कोई भी आता है, जब जायकों की बात की जाती है, तो सब दिखाते हैं जी रबड़ी फलूदा, जलेबी हो गई मीठे में। लेकिन जो आज हम आपको दिखा रहे हैं इसका कोई मैच नहीं है। ये देखो ज़रा, ये है कड़ा प्रसाद, जिसको ना मतलब आप लोग चांदनी चौक आओगे ये तो मिस कर ही नहीं सकते। ये तो है कड़ा प्रसाद के गुरुद्वारे मत्था टेकने जाओगे तो भाई कड़ा प्रसाद की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। तो भाई वही कड़ा प्रसाद अब हम आपको टेस्ट करेंगे, मतलब इसकी कोई कीमत नहीं है, इसको हम जायके में किसी में भी हम मैच नहीं करेंगे।
बट हाँ, इसका एक जो आनंद है वो हम लेंगे यहाँ पे, पहले एक आनंद है वो हम आपको लेके बता रहे हैं। और ये है कि भाई जब भी अगर चांदनी चौक आते हैं, अगर आप भी आते हैं तो एक बार आएँ और एक बार गुरुद्वारे में मत्था टेके, तो आपको भी इस आनंद में कड़े प्रसाद आपको भी स्वाद मिलेगा। तब एक इसको स्वाद लेते हैं। नो मैच। तो आज की वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं। इस सबको जो है हम शेयर करके खाएंगे, क्योंकि ये है एक्चुअल में जो मैं डेली लाइफ में बोलता हूँ, शेयरिंग इज केयरिंग। तो ये शेयरिंग है, इस प्रसाद को हम सबके साथ शेयर करके खाएंगे। और आप वीडियो को शेयर करें, इस प्रसाद को शेयर करते हैं। तो अगर आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई, वीडियो को कर देना लाइक। और आज की वीडियो में ना यार एक्चुअल में बहुत मेहनत लगी है, तो एक बार लाइक ज़रूर करें, एक कमेंट ज़रूर दें अपना, आपको वीडियो अच्छी लगी है, एपिसोड 1 और 2 में आपको कौन सा ज़्यादा पसंद आया ये भी बताएं। तो आज की वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई, वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ। अगर आपको है हमारे स्वाद पे यकीन, तो सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल डेली फूड शौकीन। तो मिलते हैं किसी नई जगह, अभी आपको अगले हफ्ते फिर से लेके आएंगे आपके लिए तेरी गली एपिसोड 3। अब वो आप गेस करें कि वो हम आपको कहाँ पे लेके जाने वाले हैं। अभी 2 में आपको चांदनी चौक के कुछ जायके दिखाए, हो सकता है अगली बार कुछ और नए लेके आएं आपके लिए। तो मिलते हैं आपसे किसी नई जगह कुछ लाजवाब और चटपटे जायकों के साथ।